स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कौशिक, यू इकोनॉमिक्स टीचर, वेलकम्स यू टू द टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी का टॉपिक डिस्कस कर लिया था और होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड N। तो जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं से ये टॉपिक समझा जा सकता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल एक बार दोबारा से पढ़वा दूं जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी को पढ़ते वक्त बनाया। तो हम यूनिट्स के साथ TU और NU शो करते हैं। यूनिट्स हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लेंगे ताकि हम हर चेंज को अच्छे से शो कर सकें। इसके बाद हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके इसके रिलेशन को देखें। देखिए, 0 यूनिट्स में टोटल यूटिलिटी आपको याद हो, हमने 0 यूटिल्स की ली थी क्योंकि शुरू में जब हम कंजम्पशन कुछ भी नहीं कर रहे तो यूटिलिटी भी 0 की मिलेगी। NU डैश, क्योंकि NU एडिशनल चेंज दिखाता है, एडिशनल यूनिट से जो चेंज हुआ है, तो वो चेंज जब कोई एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तभी होगा, 0 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट यूनिट में हमने दिखाया था कि NU 10 की थी, इसको फिर दो दो के चेंज दिखाते रहेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे, 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। टोटल यूटिलिटीज का सबमिशन है 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28। तो या तो आप रिलेशन सीधा इससे शो कर सकते हैं टेबल से, या एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि TU और NU का रिलेशन शेड्यूल की मदद से बताएं, तो आप एक शेड्यूल बनाएंगे और रिलेशन शो कर देंगे। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डायग्राम की मदद से बताएं, तो डायग्राम किस तरह से बनेंगे आपके, ये देखते हैं। एक डायग्राम ऊपर बनेगी जो कि TU और यूनिट्स को शो करेगी, एक डायग्राम इससे नीचे बनेगी। जो कि NU और यूनिट्स को शो करेगी। TU की शेप आप देख सकते हैं कि शुरू में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज है। तो इंक्रीज का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ कर्व मूव करेगा। जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो थोड़ी सी फ्लैट लाइन होती है। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि नीचे की तरफ जाएगी, लाइन ऊपर की तरफ ही जाएगी लेकिन एकदम अपराइट होने के बजाय थोड़ी सी फ्लैट होकर जाएगी। आइए देखते हैं किस तरीके से। 0 से स्टार्ट है तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये मैंने फ्लैट बनाई, कॉन्स्टेंट पॉइंट दिखाया, कॉन्स्टेंट पॉइंट सीधी लाइन से बनेगा, फिर मैंने डिक्लाइन कर दिया, ये हो गया 3। ये पॉइंट है, इसको मैंने ये नाम दे दिया जो कॉन्स्टेंट पॉइंट है। इसके सिधाई में NU 0 होना चाहिए, हमने पिछली क्लास में देखा था। 10 से स्टार्ट है और लगातार डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है। मान लीजिए 10 पॉइंट है, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन इसको टच करते हुए नीचे निकल जाएगी। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। इसके बाद डिसयूटिलिटी का पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। सो बेसिकली 3 रिलेशन होते हैं TU और NU के बीच में। क्या क्या रिलेशन है? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन TU इंक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट, विद अ डिक्रीजिंग रेट NU declines। देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है, पहला रिलेशन क्या है कि जब तक TU डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा, ये पॉइंट है यहां तक, ये पॉइंट यहां तक है, ये हमारा बेसिकली पहला रिलेशन शो कर रहा है। मैं एक बार यहां पर भी बता दूं, यहां से लेके यहां तक, ये है फर्स्ट पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं।
अगर इस डायग्राम में बात करें, हालांकि इस डायग्राम में आपको सिर्फ दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो एरिया है पूरा ये, और यहां पे अगर हम देखें तो ये एरिया, यानी कि हमने जो लाइन खींची है इससे पहले का जितना भी एरिया है वो इस पॉइंट को शो कर रहा है कि TU तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे, डिक्रीजिंग रेट से, और MU डिक्रीज हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये कहता है रिलेशन TU MU के बीच में कि जब तक TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा MU विल डिक्रीज। दूसरा पॉइंट ये कहता है व्हेन TU इज कॉन्स्टेंट MU विल बी जीरो, MU जीरो होगा कब, ये वाली कंडीशन। मैं एक बार दूसरा चौक लेके आपको अच्छे से दिखाता हूं, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये वाली, ये सेकंड पॉइंट को शो कर रहा है जो मैंने सेकंड रिलेशन बताया कि जब TU कॉन्स्टेंट है तो MU जीरो है, ये पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, व्हेन TU इज कॉन्स्टेंट MU विल बी जीरो। अगर गर इसमें बात करें तो ये वाली पॉइंट है ये, तो सेकंड रिलेशन क्या हो गया, पहला तो हमने देखा कि जब तक TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है MU डिक्रीज होगा, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन व्हेन TU इज कॉन्स्टेंट MU विल बी जीरो। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है व्हेन TU starts decreasing, starts decreasing MU will be negative। आखिरी पॉइंट ये कहता है कि जब TU decrease होना शुरू हो जाएगा, यहां तक decreasing rate से increase हो रहा था, increase हो रहा था, last में decrease हुआ था कि 30 से 28 हो गया, यानी कि कम हो गया। जब TU कम होगा, decline होगा, उस दौरान MU negative हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन आई है ये थर्ड पॉइंट है। कर्व की बात करें तो कर्व में ये इसके आगे का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां पे नेगेटिव यूटिलिटी वाला, डिस यूटिलिटी वाला, ये थर्ड पॉइंट को शो करता है, दिस इंडिकेट्स थर्ड पॉइंट। अगर आपसे रिलेशन पूछेंगे डायग्राम के साथ तो आपको ऐसे कलर करके बताने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाएंगे, इन रिलेशन पॉइंट्स को लिख के बता देंगे कि पॉइंट ए से पहले का एरिया इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ए का एरिया इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, बियॉन्ड पॉइंट ए इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछ लें तो आप तीन रिलेशन बताएंगे, TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट MU विल डिक्लाइन, व्हेन TU इज कांस्टेंट MU विल बी जीरो, एंड व्हेन TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग MU विल बी नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसी कॉन्सेप्ट से एक दो क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, आइए वो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हेन TU इज एट मैक्सिमम वैल्यू, जब TU अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MU, उस दौरान MU की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब TU मैक्सिमम है तो बताइए MU कितना होगा। तो आप यहां पर अगर देखें तो देखिए यहां पे TU मैक्सिमम कब है, 0, 10, 18, 24, 28, 30, 30, दो जगह 30 है 28, यानी दो जगह 30 और 30 मैक्सिमम। जब दो जगह सेम है तो हम बाद वाली वैल्यू को मैक्सिमम मानते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। तो बताइए जब ये है तो इसके दौरान MU कितना है, जीरो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब TU मैक्सिमम है तो बताइए MU कितना होगा, आप बताएंगे MU विल बी जीरो, क्योंकि TU मैक्सिमम तभी होता है जब वो कांस्टेंट होगा। इस टाइप से कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैन MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी बी नेगेटिव, क्या मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यस, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, कब, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, अगर आपने ये टेबल याद कर लिया, हालांकि याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और हमें कम कॉन्स्टेंट चेंज की दिखानी है, एक वैल्यू जीरो और एक वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इससे टोटल यूटिलिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। बस एक बार ये शेड्यूल याद हो गया तो आधे से ज्यादा चक्कर आपका क्लियर हो गया, इससे फिर क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं।
एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या जब तक मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होती तब तक टोटल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होती टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन नहीं हो रही है। तो ये है ट्रू, क्योंकि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब तक टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो क्या एमयू इंक्रीज होगा? हम कहेंगे नहीं, जब तक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है एमयू भी डिक्लाइन होगा, एमयू तो इसमें हमेशा ही डिक्लाइन होगा। तो इस तरीके से केवल इस शेड्यूल से, इनके रिलेशन से एक एक मार्क्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।